हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जुकनी की सब्ज़ी। ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दो जुकनी ले ली है, वजन में 500 ग्राम है। एक चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ा सा लहसुन, एक अदरक का टुकड़ा और तीन हरी मिर्च, और ये चार पाँच मैंने काली मिर्च ली थी जिसको दरदरा कूट लिया है। आप इसकी जगह काली मिर्च पाउडर भी ले सकते हो। और एक प्याज ले लिया है, इसको मैं बारीक टुकड़ों में काट लूँगी। तो सबसे पहले हम ये जुकनी है इसको काट के तैयार करेंगे। तो इसके दोनों साइड डंठल होता है, उसे हमें निकाल देना है। फ्रेंड्स, ये देखने में बिल्कुल हरे कद्दू जैसी लगती है और इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगती है। और ये बहुत सॉफ्ट होता है, आसानी से कट जाता है। अगर आपको इसका छिलका पसंद नहीं है तो आप इसका छिलका भी निकाल सकते हो। इसका छिलका बहुत ज़्यादा पतला होता है तो ये आसानी से पक जाता है। तो इस तरीके से मैं इसको काट लूँगी थोड़े बड़े बड़े पीसेस में। काटने से आपको पता लग रहा होगा ये कितना सॉफ्ट होता है। इसी तरीके से मैं सारा काट के तैयार कर लूँगी। और ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है, गर्मियों के दिनों में ये मिलता है। इसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा कद्दू की सब्जी के जैसा आता है। तो देखिए, इसी तरीके से हमें इसको काट लेना है। इसका छिलका हम नहीं निकालेंगे, छिलके के साथ इसको पकाएंगे। बहुत ही अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी खाने में। इसी तरीके से मैं दूसरी जुकनी को भी काट के तैयार कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी जुकनी काट के तैयार कर ली है और इसमें इसको मैंने पहले ही साफ़ पानी से धो लिया था। और अब हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। ये देखिए, इसके लिए मैंने लिया कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं डालूँगी सरसों का तेल। आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो, जो आप खाना पसंद करते हो उस तेल में आप सब्ज़ी बना सकते हो। तेल हमारा गर्म हो चुका है, मैं इसमें डालूँगी आधा छोटे चम्मच जीरा। जीरे को हमें अच्छी तरीके से चटकने देना है। जीरा हमारा अच्छे से चटक चुका है, अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज को मैंने बारीक काट लिया था, आप अपने हिसाब से इसको चॉप कर सकते हो। और प्याज को हमें हल्का सा कलर चेंज होने तक पकाना है। और देखिए, प्याज का कलर चेंज हो चुका है। और अब मैं इसमें जो हमने अदरक ली थी उसको मैं डाल दूंगी। तो मैंने अदरक को दरदरा कूट लिया था, आप इसकी जगह अदरक का पेस्ट भी ले सकते हो। और इसी के साथ मैं हरी मिर्च और लहसुन, उसको मैंने एक साथ दरदरा कूट लिया था, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आप लहसुन और अदरक खाना पसंद नहीं करते तो इसको स्किप भी कर सकते हो। इन्हें अच्छे से मिला लेंगे हम। और इसी तरीके से मिलाते हुए इसको अच्छे थोड़ा सा पका लेंगे, हल्का सा। जलाना नहीं है और गैस का फ्लेम लो रखेंगे इस टाइम। वही देखिए, अच्छे से पक चुके हैं, तेल भी इन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसमें काली मिर्च डाल दूंगी। काली मिर्च से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप काली मिर्च खाना पसंद नहीं करते इसका, तो इसका पेस्ट भी इसमें, पाउडर भी इसमें डाल सकते हो। आधा छोटे चम्मच हल्दी मैंने इसमें डाली है, और दो पिंच हींग, आधा छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटे चम्मच जीरा पाउडर, और एक चौथाई छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप अपने हिसाब से और मिर्च इसमें ऐड कर सकते हो। अब मैं इनको अच्छे से मिला लूँगी। तो मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ली है, जिससे सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। थोड़ा सा इसको चला लेंगे और चलाते हुए मसाले को पकाएंगे। और देखिए, हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। और अब मैं इसमें सब्ज़ी डाल दूँ जो हमने काट के तैयार की थी, और इन्हें भी अच्छे से मिला लेंगे हम, ताकि मसाले सारे अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। और अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पे आधा छोटे चम्मच नमक लिया है, स्वाद अनुसार आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और अब अभी इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे नमक को।
और फ्रेंड्स मैं सब्जी में पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, क्योंकि जो जुकनी होती है थोड़ी जूसी होती है, तो बिना पानी के भी अच्छे से पक जाएगी, तो इसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है तो इसमें आप पानी थोड़ा बहुत डाल सकते हो। और अब मैं इसको कवर कर दूँगी और 3 से 4 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे पकने दूँगी। 3-4 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जी को। तो देखिए मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, उसके बावजूद भी इसमें हल्का हल्का पानी दिखाई दे रहा है हमें। हल्का से इसको प्रेस करते हुए हम चेक करेंगे कि हमारी सब्ज़ी बनी नहीं बनी। तो अभी हमारी सब्ज़ी बनी नहीं है, तो मैं इसको फिर से ढक के 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फिर से इसको पकाऊंगी। चार पाँच मिनट हो चुके हैं, हम हमारी सब्जी को देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी में पानी दिखाई दे रहा है, बिना पानी हमने इसमें नहीं डाला था उसके बाद भी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हम चेक करेंगे हमारी सब्ज़ी बनी कि नहीं बनी। तो हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो अब मैं इसमें जो हमने अमचूर पाउडर लिया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह थोड़ी एक छोटी कच्ची कैरी ले लीजिए, वो भी इसमें डाल सकते हो। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल दूँगी और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इन्हें बिना ढके ही 2-3 मिनट के लिए इसी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे, ताकि इसमें थोड़ा पानी जो हमें दिखाई दे रहा है वो जल जाए। अमचूर पाउडर से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा खट्टा मीठा सा। तो देखिए सब्जी हमारी बन चुकी है, गैस हम बंद कर देंगे और इसे एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए मैं सब्जी को निकाल लिया है, बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा हरे धनिया से गार्निश कर दूँगी। तो फ्रेंड्स आप भी रेसिपी बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ।